जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी ना श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुना तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं सभा में उपस्थित परम आदरणीय परम वंदनीय एवं परम पूज्य सुंदर साथ के कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, जिस लोक में हम इस वक्त बैठे हैं इसे मृत्यु लोक कहते हैं और इसे कर्म भूमि भी कहते हैं। यहां का नियम बहुत सख्त है, कर्म अनुसार ही यहां पर दुख या सुख का भोग होता है। इसीलिए हम देखते हैं अक्सर कि जो लोग सुखी हैं वो बहुत सुखी हैं और जो दुखी हैं वो बहुत बहुत दुखी हैं। कोई सोने के पहाड़ पर बैठा है तो कोई एक पग का खाना भी नहीं जुटा पा रहा, किसी के पशु भी बड़े सुंदर वाहनों में घूम रहे हैं तो किसी का बच्चा रेत में घूम रहा है बैठा हुआ है। कारण, क्योंकि यहां का नियम सख्त है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, देखिए परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी, मनुष्य की रचना करी और उसके लिए यहाँ सभी संसाधन उपलब्ध कराए। ना सिर्फ इतना, केवल मनुष्य को वो बुद्धि और विवेक दिया कि वह अपना अपना जो है पेट पाल सकता है। बुद्धि विवेक दी, ऐसे ऐसे उपकरण हम लोगों ने बना लिए जिससे हमने अपनी जीविका को सरल किया। ये सब कुछ परमात्मा की ही देन है। तो जो मनुष्य योनि में आने के बाद भी उस परमात्मा का एहसान नहीं मानता और उसे याद नहीं रखता तो धीरे 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 मनुष्य योनि में होते हुए भी वो पशु तुल्य हो जाता है और उसका जीवन भी वैसा ही होता जाता है। और जहां आपको सबसे ऊपर बैठाया था मनुष्य योनि, सबसे उत्तम योनि, ये स्वर्णिक अवसर था, तो धीरे 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 आप पशु तुल्य हो जाएंगे। धीरे धीरे आप जैसे जानवर आपस में बिना वजह लड़ते हैं, घर परिवार में लड़ना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपकी पशु योनि में आ जाएंगे। जीवों की मैं बात कर रहा हूं। फिर पशु योनि में भी आप अब कर्म तो कमा नहीं सकते क्योंकि मनुष्य योनि गवा दिया आपने, तो फिर और नीचे आते हैं, छिपकली बनेंगे, कॉकरोच बनेंगे। इस प्रकार से यहाँ की क्रूर व्यवस्था है मगर सटीक व्यवस्था है जो चल रही है। इसके विपरीत जो व्यक्ति भजन भक्ति ध्यान साधना में अपना जीवन बिताता है, सबसे पहले उस परमात्मा को याद करता है जिसने ये जीवन दिया है, सृष्टि दी है, और उसके साथ साथ दान पुण्य भी करता है। क्योंकि अपना पेट भरना और दूसरे किसी का भी ना सोचना, ये परमात्मा के नियमों के विपरीत है। तो जो भी धर्म होता है, संप्रदाय अलग अलग है लेकिन धर्म हमेशा एक है। और शास्त्र कहते हैं तुम धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ये धर्म ही है जिसने अभी भी सृष्टि को अपने ऊपर खड़ा रखा हुआ है, नहीं तो ये अब तक तहस नहस हो चुकी होती। तो धर्म का पालन जो भी जीव करता है तो वो धीरे धीरे इस लोक से ऊपर उठता है और ना सिर्फ यहां सुख प्राप्त करता है बल्कि कई जीवों ने इतने उत्तम कर्म करते हैं कि यहां से भी परमात्मा कहते हैं यहां पर भी इसका मैं फल नहीं दे सकता, इसको और ऊपर ले जाओ स्वर्ग में।
जहां केवल ही केवल सुख ही सुख है। फिर इससे ऊपर वैकुंठ का वर्णन आया है, जहां ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश हैं, मुक्ति के साधन हैं, सालोक, सामीप, सायुप, सारुज। कई जीवों ने ऐसे उत्तम कर्म किए जिन्होंने यहां की मुक्ति प्राप्त करी और भगवान विष्णु आदि के भी दर्शन किए। वैकुंठ के सुख जो हैं, वो यहां स्वर्ग से भी कई गुना ऊपर है। ठीक है, इसका सबसे मुख्य कारण है क्योंकि यहां पर आपको सानिध्य मिलता है भगवान विष्णु का। जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा होत है तिन माफ। भगवान विष्णु का सानिध्य अति मीठा सरस है जीवों के लिए, क्योंकि देखिए उनकी रहनी को, जब भृगु ऋषि ने उनकी छाती पे पांव मारा उन्हीं के कक्ष में जाकर, तो क्या कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपके चरण इतने कोमल है और मेरी छाती सख्त है, कहीं आपके पांव में चोट तो नहीं लगी। तो भगवान विष्णु का प्रेम और स्नेह और उनकी विनम्रता, करुणा, दया, इसके आप पात्र बनते हैं अगर वैकुंठ की प्राप्ति आप करते हैं। फिर इसके ऊपर आता है निराकार। निराकार से केवल इस ब्रह्मांड का नहीं, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। पहले तो सतयुग से केवल हिंदू धर्म ग्रंथ ही इस बात की पुष्टि कर रहे थे, परंतु अब तो विज्ञान भी इस बात को मानता है। ये जो भी वैज्ञानिक है ना, जो अपाहिज था, जिसकी अभी मृत्यु हुई है, स्टीफन हॉकिंग्स, इसकी जो क्वांटम थ्योरी है, तो उसमें पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है कि ऐसा ना सोचे केवल एक ही पृथ्वी है, इस गैलेक्सी के अंदर और इस मिल्की वे के अंदर और इस यूनिवर्स के अंदर ऐसे अनंत पृथ्वियां हैं, और उन अनंत पृथ्वियों पे अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश है। आप सोचिए, विज्ञान की खोज तो 100-200 साल पहले से हुई है, उससे पहले बिजली का भी इजाद नहीं था। और गुरुवाणी के अंदर, जो गुरु नानक साहब की गुरुवाणी है सिखों के ग्रंथ में, उसमें भी 500 साल पहले वर्णन हो गया था कि ऐसे कई ब्रह्मांड है। और हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों में तो सतयुग से इस बारे में वर्णन आया है। तो निराकार, इसीलिए ज्यादातर मनुष्य निराकार को ही परमात्मा मानते हैं, क्योंकि परमात्मा से ही सबकी रचना होती है और परमात्मा का कभी लय नहीं होता, तो इस वजह से वो निराकार को परमात्मा मानते हैं कि भी निराकार से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड उत्पत्ति हुई है। तो कई जीव, उत्तम जीव, निराकार तक का भी ध्यान करते हैं। निराकार से समझ जाता हूं, निराकार से ऊपर अक्षर भगवान के चार अंतस्करण है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। वो इन सभी ब्रह्मांडों की रचना केवल अपने मन अव्याकृत में ही करते हैं और उसी में ही लय कर देते हैं। ये चार भाग अव्याकृत ब्रह्म सबलिक केवल और स्वच्छ स्वरूप ही अत्यंत परोपकारी और आनंदमयी लोक हैं, क्योंकि यहां पर भी काल नहीं जाता, अनंत सुख समृद्धि शांति भी वहां पर है। वहां के भी जर्रे जर्रे में करोड़ सूर्य का तेज है, वहां भी केवल नूर ही तत्व है। अब इस योग माया से ऊपर दिव्य पुर धाम परम धाम स्थित है। ये दिव्य पुर धाम परम धाम, जिसे कुरान के अंदर अर्श अजीम, बाइबल के अंदर माय फादर्स हाउस करके कहा है, और हमारे वेदों के अंदर इसे दिव्य लोक परम धाम, एक ही हीरे का महल करके श्रीमद् भागवत में भी आया है। सुंदर सार जी, ये परम धाम ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी वर्जित है। भगवान शिव ने जब उमा जी को अमर कथा सुनाई तो उनका ध्यान केवल अव्याकृत तक गया, और वहां से ध्यान करके ही उन्होंने थोड़ा बहुत वर्णन किया कि उससे ऊपर कुछ है। केवल ध्यान गया अव्याकृत तक, उनका जाना तो नामुमकिन है। वही भगवान शिव ने, जब विष्णु ने भी लक्ष्मी जी को अमर कथा सुनाई, क्षमा चाहता हूं, जब उन्होंने तपस्या करी लक्ष्मी जी ने सात कल्पांत, तो क्या कहा कि हे देवी, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं,
मेरी शक्ति ही नहीं है उस पार ब्रह्म के बारे में बताने की। उनके सत्ता स्वरूप अक्षय भगवान का ही मैं ध्यान करता हूं, लेकिन तुम बिल्कुल भी अपने हृदय को सताओ मत। 28वें कलयुग में वे आएंगे और वे खुद बताएंगे। अब जहां पर इस सृष्टि के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान नहीं जाता, हम सखियां उस परम धाम की बात इतनी सरलता से कर रही हैं, क्योंकि हम सब के अंदर वे ब्रह्मात्मा है जो यही की है। पांचों मिले रू अपनी असर छोड़े नहीं। ये पांच तत्व तो पांच तत्व में मिल जाते हैं, लेकिन जो रू है उसकी जो असल है वो नहीं छोड़ती। अब इस बात की महत्वता को समझते हुए समझिए कि आप कौन हैं, और अपने ऊपर होती हुई मेहर और कृपा को जरा सा समझिए, क्योंकि सुंदर साथ जी आज भी इतनी मेहर के बावजूद हम सुंदर साथ के हृदय कुंठित हैं, पीड़ित हैं। कारण, क्योंकि अभी भी हम उस मेहर कृपा और धाम और धनी को देखने के बजाय संसार को देख रहे हैं। एक बात की तो पूरी तरह से अपने दिल में संतुष्टि कर ले कि संसार में सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये चक्र दुख का है और यहां दुख ही दुख है, नहीं तो इस लोक का नाम जीवित लोक होना चाहिए था ना। नाम ही अपने आप को बता रहा है कि मैं कौन हूं, मृत्यु लोक। जीवित लोग नाम रखते थे, लेकिन यहां पर इसे मृत्यु लोक कहा है और दुख का खेल है। जो देखने आए थे, हम इस बात के बारे में धनी से शिकायत नहीं कर सकते कि हमें दुख क्यों दिया, क्योंकि कहोगे कि मांग गया है तो अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे कि मांग गया है तो हमने ही मांगा था तो देख रहे हैं। शिकायत मत कीजिए, थोड़े से विवेकवान बनिए कि जो देख रहे हो वो मांगा था, जो देख रहे हो वो मांग रहे हो, जो मांग रहे हैं वही देखेंगे आगे। तो दुख उपज क्यों रहा है, हमारी ही वजह से। अगर गलती समझ में आ जाएगी तो सुधार भी सकते हैं। सुधारने के लिए अब क्या करना है कि अब और नहीं मांगना। बुद्धि कितना भी समझाए, संसार माया कितना भी, अब कलयुग कितना भी शोर मचाए कि ये चीज हो गई तो तू सुखी, तो अब वाणी से विवेक से समझ जाइए कि यहां सुख है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। अगर आज मैं आप सब सुंदर साथ से एक बात पूछूं कि जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये होता है ना ब्रह्म आत्माओं की निशानी, सीधा सही जवाब दिया। अभी मैंने पीछे किसी से पूछा था तो किसी ने कहा भोजन। अरे भोजन के बिना मर जाएंगे बिल्कुल सही बात है, अगर इस शरीर को आहार नहीं दिया तो कुछ दिन में मर जाएंगे, जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है जल, क्योंकि भोजन के बिना तो शायद आप महीना रोक सकते हैं, जल के बिना आप चौथे पांचवें दिन ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वायु, 1.5 से 2 मिनट के बीच में अगर आपको वायु ना मिले तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रेम विभावनी का, क्योंकि यकीन मानिए जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, जिसको प्रेम नहीं मिल रहा, वो पहले ही मृतक है, वो जीवित है ही नहीं, है ही नहीं जीवन। सुंदर साथ जी, जिस प्रेम की कामना हम सभी ब्रह्मात्माएं करती हैं, प्रेम ब्रह्म दो एक हैं, दो बसत अरश के माहे, प्रेम और ब्रह्म एक है और वो यहां है, ठीक है? तो इस बात को समझिए, अब संसार के दुख को किनारा कीजिए, क्योंकि संसार दुख का ही सागर है। कुछ बड़ा पाने के लिए यहां पर ये कर्म भूमि है, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा। बिना मेहनत जहां सब कुछ मिलता था वो छोड़कर आए, ये ऑप्शन बेटर लगी थी।
ये विकल्प हमें बेहतर लगा था तो ही तो वहां से यहाँ आए। वहां तो बिना करे कुछ मिल जाता था ना, वहां सुबह सुबह राज्य के दर्शन करने के लिए ध्यान में बैठना पड़ता था, ठंडे पानी या सुबह सुबह नहाना पड़ता था, आसन लगाना पड़ता था, रहनी में के ऊपर मेहनत करनी पड़ती थी और संसार के घर परिवार के कटु वचन सुनने पड़ते थे। यहाँ तो सब है। वहां क्या था, अपना रंग परवाली मंदिर में जाने के लिए अपने कक्षों से उठे सुंदर साहब जी कहने भर के लिए कहा जाता है श्रृंगार कीजिए, चेतन श्रृंगार चेतन स्वरूप अपने आप नट से सिख तक का रू को तो उठते ही देखिए होता क्या है। आप रंग परवाली में नींद तो आती नहीं है, आपने सुख से जाके सुख लेते समय एक करवट बदली, करवट बदल के देखा तो बालाजी सज्जा पर नहीं। अब जैसे ही एक फेंकिन का भी विछुआ आया, जागी जमता पियो जीना पासे हास तो पाछे धासे पर भाते। जैसे ही मैं जागी और मैंने देखा बालाजी नहीं है, पूरी रात्रि प्रेम का प्याला पीते 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 इतनी भरावट हो जाती है, एक खिन का बिछुआ सहना असहनीय हो जाता है। आज आप और मैं बिछुआ सह पा रहे हैं क्योंकि प्रेम नहीं पिया अभी तक। एक पल की जुदाई की ना सहने वाली आत्माएं सौ सौ साल का बिछुआ सह पा रही है क्योंकि प्रेम का अभाव है। यही रास में था, प्रेम पाने के बाद इतना एक पल विछोभा हुआ तो मूर्छा को प्राप्त हो गई। वही परम धाम है। तो परम धाम में जैसे ही बालाजी को सेज बना देख के भागती है हम रंग परवाली की ओर, और भागते में इतनी जल्दी बाजी है उनको कि उसी में चलते चलते सिंगार सज जाता है। एक नजर भर देखती है कि हाँ ठीक है कि नहीं, ये बदलना है कुछ, और नजर से ही देखा बदल गया, ये ऐसे नहीं ऐसा, ये ऐसे नहीं ऐसा हो गया, और होते होते हम जा रहे हैं और पहुंच गए बालाजी के पास। तो वहां था बिना उद्यम करे सब कुछ प्राप्त था, यहां उद्यम करना होगा। ठीक है सुंदर साहब जी, तो उद्यम कीजिए और देखिए कि क्या प्राप्त हो रहा है। और उद्यम इतना सरल है कि यहां से दृष्टि खेल से हटाकर यहां करनी है। अब समस्या ये है कि माया को भी पूरा आदेश है कि इनका ध्यान हटने नहीं देना, तो वो क्या करती है, जो जो आपको यहाँ पे उसने माया ने तोहफे दिए होते ना, धन संपत्ति मान और उसके बाद परिवार, जो भी कुछ आपको दे रखा है, सम्मान वैभव जो भी दिया हुआ है, वो क्या कहती, अच्छा तू मेरी ओर नहीं देख रही, राज्य की ओर देख रही, तो मैं ये ले लूंगी, अच्छा अभी भी नहीं मान रही तो ये भी ले लूंगी, औलाद को ले लूंगी, परिवार को ले लूंगी, धन को ले लूंगी, सम्मान को ले लूंगी, पद को ले लूंगी, प्रतिष्ठा ले लूंगी। लेकिन लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, वो तो खेले प्रेमी पार पियासो देखन को तन सागर माहे। वो नहीं देखती से, कहती ले ले झूठा, ये कल भी खत्म होना, आज भी खत्म होना, तो आज ले ले, कल भी तो खत्म होना ही है। जिस ब्रह्मांड का नाम ही फानी रखा है, अरबी का शब्द है फानी, माने कम्स विद एन एक्सपायरी, खत्म होना ही होना है, अखंड है ही नहीं, ये आज भी मरेगा कल भी मरेगा, तेरी मर्जी जब मर्जी ले ले, मुझे मेरे धनी मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम अकेले थे तेरे आने से पहले, ये दिल था बेकरार, तुम जो मिल गए इस दिल के वीराने, में छाई फिर बहार, तुम बिना प्रीतम यहाँ पे कोई ना हमारा, तू है तो हर सहारा है आ गए सरिया। तुम हो तो सब सहारा है ना, बाकी तो किसी को भी पकड़ते रहो, कोई वैसे भी नहीं रुकने वाला, तो माया को देन लेने दो। सुंदर साहब जी इतनी कुर्बानी करनी होगी, दृष्टा वहां से हटानी होगी, वो हर तरह की उपचार करेगी,
अपना ध्यान उस तरफ लेने की, लेकिन अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब धाम की ओर रुख कर लिया तो अब पीछे आवाज सुनो ही मत ना, कदम आगे बढ़ाते जाओ। अगर हम ये करने को तैयार हैं तो परमधाम हमारा स्वागत कर रहा है, स्वर्ग नहीं स्वागत कर रहा, वैकुंठ भी नहीं कर रहा, निराकार भी नहीं, योग माया भी नहीं, परम धाम हमारा स्वागत कर रहा। और अब समय बहुत हो गया, अब अपनी दृष्टा को वापस ले जाने का समय आ चुका है। आइए अब समझते हैं किस प्रकार से परम धाम की ब्रह्म आत्माएं झीलना करती हैं उस अक्षरातीत के साथ, जिसके एक इशारे पे, जिसके सत्ता के एक इशारे पे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते और बढ़ते, जिनकी चरण रज के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं, वे पारब्रह्म अक्षरातीत हमारे साथ इसी जहौज कौशल में झीलना करते हैं, केवल और केवल ब्रह्म प्रियाओं के साथ। हम ब्रह्मात्माओं को ये सुख प्राप्त है उस सौंदर्य के सिंध को, सागर को, उस प्रेम और इश्क के सागर के साथ झीलना करने का। तो समझते हैं किस प्रकार से हौज कौशल में ये लीला विहार होता है। परम धाम, पूर्ण परम धाम एक ही नूर तत्व का बना है, जिसकी विशेषताओं के कारण यहां प्रकाश ही प्रकाश निकलता है। सूर्य तो मध्यम पड़ जाता है जितना प्रकाश परम धाम की कण कण में से निकलता है, प्रकाश निकलता है, खुशबू निकलती है, चेतनताई है, कोमलता है। इसी परम धाम के अंदर हम धाम धनी के साथ नित्य विहार करते हैं, और ये परम सत्य अपनी गांठ बांध लीजिए कि अभी भी हम यहीं बैठे इस स्वप्न को देख रहे हैं। ये केवल और केवल स्वप्न है, और स्वप्न में खोया कुछ भी नुकसान नहीं, और स्वप्न में पाएगा भी कोई लाभ नहीं। तो सत्य स्वरूप और सत्य धाम की ओर मुड़ते हैं। सुंदर साहब जी, हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, इतना आप जान चुके हो कि श्री जमुना जी कहां से प्रकट होती है? पुखराज पहाड़, पहाड़ जरूर लगाइए इसके साथ, ये इसकी उपमा है, ये इसकी सुंदरता है, इसे पहाड़ मोहल करके भी लिखा है, क्योंकि ये है तो महल लेकिन ये विशालता में पहाड़ को भी मात दे देता है। माउंट एवरेस्ट तो इसके आगे छोटा रेती का टीला लगता है, जो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। अभी मैं यहां से दिल्ली से सिक्किम गया था कार्यक्रम के लिए, तो केवल ये नजारा सिक्किम या नेपाल जाते हुए दिखता है कि आपका वायुयान आकाश से भी ऊपर चला गया है। अब आकाश से ऊपर क्या है? माउंट एवरेस्ट है, तो आपको आपके उल्टे हाथ पे माउंट एवरेस्ट नजर आता है। इतनी ऊंची इमारत, इतना ऊंचा पहाड़ है विश्व का, और वो इसके आगे रेती का टीला लगता है, सोचिए उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो इसीलिए आकाशी महल को आकाशी महल कहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये महल तो आकाश में स्थित है। जैसे मुझे क्या नजारा दिख रहा था, बादल चारों तरफ, बादल कई जैसे पूरा मैदान फैला हुआ, और उसमें से भी माउंट एवरेस्ट निकल रहा था। ठीक है, उसमें से भी फाड़ कर ऊपर निकल रहा था, लग रहा था वहां जाने का क्या सुख होगा। तो वो असुख है यहां आकाशी महल का, क्योंकि ये महल ऐसा इतना ऊंचा है कि लगता है आकाश के ऊपर है। और इस पुखराज जी से पहले चार धाराएं, फिर 16 धाराएं, फिर जमुना जी प्रकट होती है। नूरी जमुना जी कल कल करती हुई, खुशबू छोड़ती हुई, सुगंधी छोड़ती हुई निकलती है, और इस नूरी जल में जब नहाएंगे ना सुंदर साहब जी, तभी निर्विकार होंगे। जब तक अंग पे मैल लगा रहता है आप ही को कष्ट आता है, दूसरे को बदबू तो बाद में आती है, हमारे अवगुणों का बदबू से बाद में आती, पहले हमें कष्ट होता है। तो उन विकारों को छोड़ने के लिए झीलना कीजिए इसके अंदर, जमुना जी के अंदर। और कुछ चितवनी नहीं लगती, जाके जमुना जी में डुबकी लगा के वापस आ जाएगा, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। सिर्फ इतना ही कीजिए, जमुना जी में नहीं जाती ना आगे सुर तक, कोई बात नहीं, सतगुरु को कहो भाई जमुना जी तक तो छोड़ ही सकते हो वहां तक तो आप ले ही जाते हो, चरण पकड़ लो सतगुरु के, वहां जाओ जमुना जी में झीलना करो, रेती में बैठ जाओ वहां किनारे पर, वहीं पे पुकारो राजी, यहीं आ जाओ ना, क्या पता धनी मेहर करे और जमुना जी की रेती पे आपके साथ आके बैठ जाए, कितना सुंदर सुख होगा वो। फिर उसके बाद जमुना जी जाकर श्री हौज कौशल में समाएंगे। हौज कौशल केवल एक ही हीरे की बनी है, श्वेत हीरे की। वाणी में वर्णन आता है चंद्रमा की समान, क्योंकि चतुर्दशी को हम यहां जाते हैं, तो चंद्रमा के समान हौज कौशल दहक रहा होता है, चमक रहा होता है, और अपनी किरणें बिखेर रहा होता है चारों तरफ, और ऊपर से भी चंद्रमा ऐसा लगता है जैसे और समीप आ गया।
ठीक है, ऐसे छोटा सा नहीं दिख रहा होता दूर से, इतना विशाल हो जाता है और अपनी नीली चटक चांदनी फिकेर रहा होता है। तो ऐसा लगता है दो चंद्रमाओं का आपस में युद्ध सा चल रहा हो, आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही है, दोनों की किरणें टकरा रही है और उसमें ये झीलना हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि चंद्रमा की चांदनी में झीलना कर रहे हैं कि हौज कौशर में झीलना कर रहे हैं। और उसके बाद इस हौज कौशर के सुख को और भी बढ़ाने के लिए, जैसा अभी विजय भैया ने बताया ना, कुंज निकुंज ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, फूल ही फूल। अब जान के यहां रात्रि का जाने का रखा हुआ है, जान पे क्षमा चाहता हूं, शुक्ल पक्ष में रखा हुआ है जाने का यहां रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही अंधेरा पक्ष हुआ, अंधेरा हुआ अपने हाथ में प्रकृति, जैसे ही अंधेरा हुआ असंख्य बल्ब, रंग बिरंगे बल्ब जल जाते हैं कुंज निकुंज के। अब मैं बल्ब उपमा के लिए कह रहा हूं, फूल अनंत रंगों के फूल बल्बों की तरह से जल जाते हैं, सारे खुशबू तो छोड़ ही रहे हैं, रोशनी भी छोड़ रहे हैं, ऐसे गुथे हुए रंग और उसके फूल चारों तरफ बिखरे हुए हैं और खुशबू छोड़ रहे हैं और उनके ऊपर उड़ती हुई तितलियां जो ऐसा लगता है रेडियम की बनी है क्योंकि उनमें भी प्रकाश है, नूर है। उस सुंदर रंगोली में से ऐसा लगता है हमारे जो सुखपाल है ना, जैसे रंगोली बिगाड़ते हुए जा रहे हो, क्योंकि जहां से निकलते हैं वहां से तितलियां हटती जाती हैं, तो पूरी रंगोली बनी हुई थी रंगों की, तितलियों से उड़ उड़ के वो हटती जाती हैं, तो ऐसे रंगोली बिगाड़ते हुए हम यहां जाते हैं हौज कौशर के अंदर। जब यहां हौज कौशर में पहुंचते हैं तो यहां पे पशु पक्षी हमारा स्वागत करते हैं सुंदर मीठी बोली के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ खूब खुशहाली हमारा स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है पूर्ण हौज कौशर ही प्रफुल्लित है हमारे आगमन से, और युगल स्वरूप के साथ हम जब यहाँ आते हैं तो झीलना करने का सुख, वहां पर बैठने का सुख। आइए अब समझते हैं, पहले इसकी थोड़ी सी संरचना समझ लेते हैं। जमुना जी के साथ दाएं बाएं अब आप सब जान चुके हैं चार रौशियां कौन कौन सी, एक आगे लीजिएगा, जल के समीप जल रौस, फिर कमर भर ऊंची पाल, और फिर ये वन रौस क्योंकि ये वन के समीप है, और पुखराज रौस। श्री जमुना जी के साथ ही गई है, उसी के साथ लौट कर आएगी, ठीक है, पुखराजी रौस। ये चार रौस से सबको क्लियर है, आगे चलते हैं। अब ये सुंदर साहब जी सुंदर मरोड़ खाता है जमुना जी यहाँ पर हौज कौशर के लिए। अब देखिए भोली रोगों को कैसे लोग बुद्धू बनाते हैं। मैं भी सिक्किम गया, वहां पर नदी थी पीछे जहां कार्यक्रम हो रहा, तो बह रही थी बड़ी सुंदर, वहां पर स्वच्छ नदी है। एक सुंदर साहब ने कहा, कह रहे वो आगे जाके झूला है इसमें झूल लीजिए, चलिए एक किलोमीटर दूर जाके मैं आपको झूला लाऊं। मैं बुद्धू बन गया, मुझे लगा जैसे जमुना जी के ऊपर झूले पड़े ना, मरोड़ खाते हैं, पुल बनकर झूला। मैंने कहा ऐसा झूला यहाँ हो गया शायद, बड़ा खुश हो गया। वो राम झूला लक्ष्मण झूला की तरह पुल था। कह देखो यहाँ कूदो तो ऐसा लगेगा झूल रहे हो। मैंने कहा अरे वाह। यहाँ जब जमुना जी मरोड़ खाती है तो जमुना जी के ऊपर पुल आया है, वो झूला आया, पहले पुल पड़ा और उसमें झूला है, और उस झूले में जब झूलते हैं तो जमुना जी को जल छूता है। सुंदर साहब जी सोचिए 12,000 ब्रह्मांड में जब श्री जमुना जी के ऊपर झूला झूलते होंगे तो क्या सुख होगा, ठीक है। अब यहां से जाएंगे हौज कौशर में, श्री जमुना जी मिल रही है जाके, ठीक है, एक आगे लीजिएगा। यहां समाप्त तो हुआ, यहां से तो अंडरग्राउंड हो गया ना, तो यहां पे जल रौस समाप्त हो गई, और तीन रौसे कौन कौन सी, पुखराजी रौस, वन रौस, पाल। देखिए ये विजय भैया की मेहनत है जो आपको इतनी बार रिपीट कराया कि अब आपको याद हो गया, नहीं तो इसी की वजह से हौज कौशर ही नहीं पकड़ में आता, ठीक है। अब आप लोग फटाफट बोलते जा रहे हैं तो समझ में भी आ जाएगा, पुखराजी रौस, वन रौस और पाल। पाल का नाम बदल के क्या हुआ, ढलक की पाल। ये तीनों रौसे गलबैया डाल रही है हौज कौशर को, ठीक है। अभी पाल का नाम बदल के ढलकती पाल तो हो गया, और उसपे कितने वृक्ष आए, दो वृक्षों की हार आई। उसके बाद क्या आएगा, संक्रामित। अगर नहीं नाम याद रहता सीढ़ियां भी कह सकते हैं, ये तो परमहंसों की भाषा है, संक्रमणित सीढ़ियां, मणिक सीढ़ियां, लेकिन सिर्फ सीढ़ियां भी याद रखेंगे तो बहुत रहेगा। स्टेडियम की तरह ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने के बाद क्या आएगा, चौरस पाल। ये देखिए चौरस पाल पूरी गोलाई में आ रहे, ठीक है, एक आगे कीजिएगा दृश्य। ये देखिए सीढ़ियां ऊपर चढ़े, चढ़ने के बाद क्या आएगा, चौरस पाल। चौरस पाल पे वृक्षों की तीन हारे आई हैं और इस पे झूले पड़ गए हैं, ठीक है। इतनी शोभा समझ में आ गई सबको। अब इन्हीं ये वन, ये जो पांच भूमि है ना सुंदर साहब जी, इसमें तो नजारा आ नहीं रहा, आत्मा की दृष्टि से देखिए
कि सीढ़ियों में ऊपर चढ़कर पहली भूम का क्या नजारा होगा, फौज का असर ऊंचा हो गया, नीचे रह गया, दूसरी भूम से और नीचे रह गया, तीसरी चौथी पांचवी भूम से कितना नीचे रह गया फौज का असर, वो कितना सुंदर दृश्य होगा। और उसकी आप बिल्कुल किनार पर आ गए, जैसे ये वृक्षों की हार यहां समाप्त हो गई और ये नीला नीला हौज का असर शुरू हो गया, चौथी भूम से झांकने का क्या नजारा होगा, वहां पे भी बेलों के कठेड़े लगे हुए हैं, वहां बालाजी के साथ खड़े हुए नीचे हौज का असर ताल। तो इन पांचों भूमों में जाइएगा, ऐसा नहीं कि नीचे से हो गए, ठीक है, और चांदनी पर घूमिएगा, ठीक है। तो आगे इसके बाद जब और आगे जाएंगे, अब नीचे तो उतरना पड़ेगा ना, ऊपर चढ़ गए हौज का असर में जाने के लिए, तो क्या करेंगे नीचे जाने के लिए, कैसे जाएंगे नीचे, झूलों से भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन अगर सहज रूप से जाना है तो सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, और सीढ़ियां कहां आई है, कटी पाल, नीचे थी ढलकती पाल, ऊपर है चौरस पाल, आगे आगे पाल को काट दिया सीढ़ियां बनाने के लिए, तो नाम पड़ गया कटी पाल। एक आगे कीजिएगा और एक आगे कीजिए, ये देखिए यहां से हम आए थे, एक बार इसे भूल जाइए, ठीक है, वहां से सीढ़ियों से आए, आगे आए, आगे आए, पाल काट दी, दाएं और बाएं सीढ़ियां उतार दी, तो इसे इसलिए कह दिया कटी पाल। इतना समझ में आ गया, सीढ़ियों से हम नीचे आ गए, एक आगे कीजिए, ये देखिए यहां से हम सीढ़ियों से नीचे आ गए, नीचे आए और ये हौज कौशल में जीना कर सकते। इतना रास्ता समझ आ गया सबको, या रिपीट करूं, ये जल चबूतरा है। बिल्कुल बिल्कुल, जब ये चांदे से तीन सीढ़ियां उतरेंगे तो ये जल चबूतरा है। जल चबूतरा कौन है भाइयों में बता सकते हैं मुझे, हाँ, तीन सीढ़ियां उतरकर कमर भर डूबकर जल के अंदर झीलने का सुख, आपस में लीला विहार का सुख इस जल चबूतरे पर होता है, पानी के अंदर है, ठीक है। अभी रास्ता समझ में आ गया कि एक बार और ले जाऊं, एक बार और पीछे ले आओ, बस सीढ़ियां, ठीक है आगे करो। ये कौन सी जगह मुझे बता दो, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये ढलकती पाल है, ढलकती पाल से ये सीढ़ियां ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ गए, आगे आ गए चौरस पाल से, चौरस पाल पार किया, ये आ गए कटी पाल पे, और आगे करो, ये कटी पाल से ये सीढ़ियां उतरे, आगे करो, कटी पाल से सीढ़ियां उतरे और ये आ गए जल जल के अंदर। रास्ता समझ में आ गया, ऐसे सीढ़ियां चढ़े चौरस पाल पे, दाएं बाएं से सीढ़ियां उतरे और हौज कौशल में आ गए। इतना सबको पकड़ में आ गया, बहुत अच्छे, अब आगे चलते हैं। इसमें एक और चीज समझा देता हूं, आज आपने जो नई चीजें सीखी है ना, हम जब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, समझ आ जाएगा यहां पे, चलो कोशिश करता हूं, सीढ़ियां उतरते, हाँ ये यहां से सीढ़ियां उतरते हैं, तो यहां से अंदर दरवाजा है जाने का, क्योंकि चौरस पाल छत है तो उसके नीचे रूम है ना, मंदिर है ना, तो वहां जाने के लिए भी तो जगह होगी, इस तरफ से तो सीढ़ियां थी, एक पीछे करना पूरा और लो, एक और लो, सुंदर साहब जी यहां से तो सीढ़ियां हैं, नीचे इसके मंदिर है, तो कहां से जाएंगे, है ना, देखो यहां से तो सीढ़ियां हैं, तो यहां से तो प्रवेश कर नहीं सकते, इस व्हाइट व्हाइट पोर्शन जो दिख रहा है चौरस पाल जिसे कहते हैं, ये छत है, नीचे मंदिर है, अब जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से एंटर करना पड़ेगा ना, अब मैं वो रास्ता आपको समझा रहा हूं, आगे चलो। हाँ, तो ये हम सीढ़ियों से जब नीचे उतरे, ये सीधा अंदर चले गए, ये छोटे दरवाजे कहलाते हैं, देखिए लिखा हुआ भी छोटे दरवाजे, ठीक है। और अक्सर दाएं और बाएं सीढ़ियां जब उतरती है तो नीचे उसके नीचे बड़ा दरवाजा कहलाता है, यहां से नीचे चले अंदर चले गए, सब अंदर के मंदिरों, ये देखिए मंदिर दिख भी रहे हैं, थंब भी दिख रहे हैं, दो मंदिरों के आर, दो थंबों के आर भी दिख रही है, तो यहां से अंदर के मंदिरों में जाने का रास्ता है। ये रास्ता समझ में आया सबको, छोटे द्वार से जाके फिर बड़े द्वार, नहीं नहीं जरूरत नहीं, चाहे छोटे से चले जाओ चाहे बड़े से चले जाओ, यहाँ ज्यादा स्पेस है या कम स्पेस है, ठीक है। क्या चीज अंदर, ये जल रॉस के बराबर कभी भी नहीं होगा, जल रॉस हमेशा जल के बराबर होती है, और तीन सीढ़ियां ऊंचा बनाया हुआ है, देखिए आप सीढ़ियां चढ़ रही है ना, ये यहां से लेके लाओ, क्योंकि ये टोटल पाल ही कहलाती है, ठीक है। जल रॉस से भी तीन सीढ़ियां, ऊपर चढ़ेंगे तो उसमें भी तीन सीढ़ियां, ये देखिए तीन सीढ़ियां चढ़ेंगे जल रॉस से तो ये पाल पर आ जाएंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, पीछे वो तो फिर एक बात मेरी समझ लीजिए, वैसे तो ये आर्किटेक्चरल आंसर है,
मुश्किल होगा, लेकिन ध्यान देंगे तो पकड़ में आएगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन हमारा हौज कौसर, ठीक है, यहां से लेंगे, ये वाइट पोर्शन से लेंगे ये यहां तक, ये क्या था, येलो येलो, यहां से पाल शुरू है, पाल हमेशा ऊंची थी ना कमर भर, यहां से पाल शुरू है और यहां तक पाल है, तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसी पाल पे स्थित है। मुश्किल कर दिया मैंने आपके लिए, लेकिन अगर समझ आ गया ना तो बहुत सरल हो जाएगा। यहां से पाल शुरू है और यहां तक है, जैसे ये जलरॉस थी, ठीक है, इसके बाद जब ये पाल है ना, तो जैसे ये कमर भर ऊंचा, सारा मंदिर उसी के ऊपर बना है ना, इसी प्रकार से जो ये पाल यहां थी ना, ये यहां तक गई है और उसी के ऊपर हौज कौसर आया। ठीक है, ये तो हो गया मुश्किल आंसर, अब आसान आंसर ले लीजिए, आगे चलिए करते जाओ, मैं जब तक बोलूं बस। और आसान आंसर ये है, जल रहा से तीन सीढ़ियां चलो अंदर जा सकते हो, हाँ इतना ही समझ लीजिए, तीन सीढ़ियां ऊपर चढ़िए और अंदर चले गए मंदिरों में, ये रहने दीजिए ना, तीन सीढ़ियां बस चढ़ जाइए, इतना समझ लीजिए, अंदर गए और अंदर मंदिरों की दोहारे और थंबों की दोहारे, ठीक है, एक आगे ये देखिए, ये एक परमहंस महाराज जी के हाथ का बना नक्शा है, चौरस पाल से आए, ये बहुत अच्छा नक्शा है, चौरस पाल से आए, कटीपाल को चांदा भी कहते हैं, नीचे उतर गए, नीचे देखो ये सीढ़ियां आप भी दिख रही है सबको, ये सीढ़ियों से आए, तीन सीढ़ियां जलरॉस पे और अंदर आ गए, पहुंच कौशल अंदर जाना, तीन सीढ़ियां और अंदर जाना है, ये सीढ़ियां उतरे, यहां उतरो ही मत ना, फिर यहीं से अंदर चले जाओ मंदिरों में, ये जो छत थी इसके नीचे मंदिर थे, ये यहां से अंदर चले जाओ, ठीक है, छोटे दरवाजों से बड़े दरवाजों जाना, तो यहां से चले, इतना समझ में आ गया, ठीक है। दूसरी चीज चलो बताई देता हूं, ये भी चौरस पाल के ऊपर बड़ी देवरी आई है, क्या आई है और कितनी आई है, 128 ये एग्जैक्ट क्यों आई है, 128 हांस है, जहां जोर पड़ेगा ना दो हांसों का, तो वहां बाहर तो क्या होता था, गुर्ज बनते थे, हैं, परम धाम में बाहर तो गुर्ज बनते थे, यहां जो संधि बनेगी ना, जो दो वहां पर ऊपर छोटी देवरी आ जाएगी, यहां बनी नहीं बनी, रतनपुर अपने पीतमपुरा मंदिर आप आएंगे देखना, छोटी देवरियां बनी हुई है कट पे, जहां दो हांस की संधि होती है, तो यहां 128 बड़ी देवरियां बनी है, और सीढ़ियों से जब नीचे आए तो यहां छोटी देवरियां बन गई है, ठीक है, ये कितनी है छोटी देवरियां, 124, चार देवरियां कम है, वो क्यों कम है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, चार दिशाओं की चार देवरियां ये कम है, क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा, आगे चलिए। अब ये देखिए, ये दूसरा नक्शा है, प्रयास किया गया आपको समझाने के लिए, ये चौरस पाल है, यहां पर काट दी गई दिखाने के लिए सिर्फ, ठीक है, और इस चौरस पाल के नीचे की शोभा समझाने के लिए किया गया बस, कि सीढ़ियां चढ़े चौरस पाल है, उसके नीचे ये मंदिरों की दो हाथ और दो थंबों की हाथ, ठीक है, ये शोभा समझाने के लिए कि अगर ये छत है तो छत के नीचे क्या है, वो शोभा दिखाई गई है, ये समझ में आ रही है, वो आपने अंदर से समझाया, ये बाहर से, हाँ ये ऊपर से आपको मैंने समझा रहा हूं। सुंदर साहब जी देखिए, मैं प्रयास भी करूंगा लेकिन समझ आपको तब आएगा जब थोड़ी सी रहनी दिखाएंगे, थोड़ा सा वाणी मंथन, थोड़ी सी रहनी, थोड़ी सी सेवा, तो रुचि लेंगे ना तब ये चीज अंदर जाएगी, क्योंकि परम धाम है, मैंने बताया ना स्वर्ग पाना मुश्किल है तो ये परम धाम है, तो थोड़ा सा अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, सिर्फ टीवी सीरियल में जिंदगी निकाल लेंगे ना तो काम नहीं बनेगा, आगे चलिए। अब ये देखिए, अब पूरी मैंने चौरस पाल हटा दी और उसका नीचे का दृश्य, ठीक है, वो देखिए दरवाजे, बड़े दरवाजे दिख रहे हैं सबको, ये छोटा दरवाजा है, यहां से जब आप अंदर आते हैं तो ये दो मंदिरों की हार है, ये रेड रेड मंदिरों की हार है, ठीक है, और ये दो थंबों की हार है और तीन गलियां, एक दो तीन, ठीक है, दो थंबों की हार, तीन गलियां और ये दो मंदिरों की हार, ठीक है, इतना समझ में आया, तो अंदर जाएंगे तो पहले ये आएगा, हाँ अंदर जैसे ही दरवाजों से प्रवेश किया, ठीक है, तो दो मंदिरों की हार है, दो थंबों की हार, हाँ है, मैं स्किप कर रहा था कि आप लोग और पजल लाओ, आप जान नहीं चाहते तो बता देता हूं, ये यहां पर भी एक गली है, दरवाजे से प्रवेश करते ही यहां एक गली है, पहले वो छुप रही है यहां पे, फिर ये मंदिरों की हार है और फिर ये, ठीक है, अभी हाँ अब इसका प्रयोजन क्या है, हम झीलना करते हैं बालाजी के साथ, ठीक है, झीलना किया, झीलने के बाद इन मंदिर इधर से प्रवेश किया दरवाजों से, और यहां पर सेज्जाएं हैं,
सुंदर वस्त्र आभूषण है, यहाँ पर बैठकर बालाजी के साथ मीठी बातें करी, या यहाँ झूलों में झूला झूला किया, ठीक है, झूले फिर वापस चले गए। यहाँ कितनी देर रहते हैं फौज को सर? दो पहर, 3 से 6 और 6 से 9। तो 3 से 6 में क्या क्या करते हैं, 8 पहर में क्या क्या करते हैं, 6 घड़ी नो, 6 घड़ी रमे खेले, 6 घड़ी नो रमे खेले। तो उसमें यहाँ पर झीलने का सुख लिया, वृक्षों पे घूमने का सुख लिया, बालाजी के साथ बैठकर बातें करने का सुख लिया, 6 घड़ी नो रमे खेले, फिर 1 घड़ी नो झीलना किया। अभी यहाँ पर रमन में भी झीलना था और झीलने में भी झीलना ही होगा, झीलना किया, फिर इन मंदिरों में सिंगार किया, और फिर नृत्य और भोजन की लीला कहाँ होगी, आगे कीजिएगा टापू में, और एक आगे कीजिएगा टापू में, सुंदर टापू, यहाँ झीलना, यहाँ पे भोजन लीला होगी चांदनी पर, और यही नृत्य की लीला होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक पीछे कीजिएगा। अब सुंदर साथ जी, हम समझते हैं कि इन चौरस पाल के ऊपर आपने जान लिया कि एक तो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, आपने ये भी जान लिया कि यहाँ पर बड़ी द्योरी आई है, कितनी, 128। अब यहां पर एक चीज और आई है, वो आई है घाट। घाट क्या होते हैं, स्नान करके जहां बैठा जाता है, ठीक है, जहां से भी स्नान के लिए जाया जाता है और स्नान करने के बाद बैठा जाता है, उन्हें घाट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 घाट आए, कौन कौन से, मिल के पास नहीं होंगे, भाइयों में से पहले कोई बताए, फिर झुंड का घाट, इधर से बहनों में, सिर्फ इधर से पीछे से कोई बताए, चीटिंग करके पास हो जाओ हो जाओ, जो मैं देख रहा हूँ नजर वहां है, बोल यहाँ है बताइए, चलिए चीटिंग करके बता रहे हैं, कोई नहीं बताइए, 13, 16, 9 और झुंड। पूरा में कौन सी देवरी का घाट आएगा, दक्षिण में और पश्चिम में, उत्तर में, याद है। देखिए अब मैं अपनी संतुष्टि के लिए फिर से बता देता हूँ, पूर्व दिशा में सबसे सुंदर 16 देवरी का घाट आता है, यहीं से जमुना जी प्रवेश करती है, और पूर्व दिशा की लीला सबसे अनुपम है, जब हम इसको करेंगे डिटेल में तो और इसे समझेंगे। तो यहाँ 16 देवरी का घाट आया है, एक आगे कीजिएगा, इसे 16 देवरी का घाट क्यों कहते हैं, यहाँ 16 देवरी आई है, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16 देवरी का घाट। इसकी बनावट कैसी है, पहले कमर भर ऊंचा चबूतरा है, चारों दिशाओं में 3 सीढ़ियां, फिर ऊपर थंबों की हारे आ गई है, थंबों के ऊपर छत पड़ी और ऊपर 16 देवरी आई है। यहाँ जा सकते हैं क्या हम लोग, कैसे जाएंगे, थंबों में सीढ़ियां आई है, चेतन सीढ़ियां हैं, एलिवेटर्स हैं हमारी, चलिए ऊपर जाइए, ऊपर बैठ जाइए, यहाँ बैठने का नजारा बड़ा ही प्यारा है सुंदर साहब जी। अभी यहाँ तो ना वृक्ष दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन इनकी टहनियां आके ना बस बैठने की जगह छोड़ देंगी, बाकी चारों तरफ से घेर रखा होगा, तो बड़ा ही कोजी सा बैठने का जगह होगा कि आप 16 देवरी में बैठे हैं, चारों तरफ से सुंदर फूलों की बेलों ने, लताओं ने आपको चारों तरफ से ढपा हुआ है, इस तरफ से नहीं ढपा होगा क्योंकि यहां से जमुना जी का नजारा दिखेगा बैठते हुए, ठीक है, साइलेंट कर दीजिए सुंदर साहब जी, ये 16 देवरी का घाट हो गया। आगे चलिए और आगे कर दो, ये बाद में करेंगे, अभी हो गया 16 देवरी का घाट, और आगे चलिए, अब 13 देवरी का घाट, एक पीछे करना, अब समझते हैं 13 देवरी का घाट, ठीक है, आगे करो। 13 देवरी में क्या है, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 10 और 3, 13, 13 देवरी आई है, बाकी सारी बनावट सेम है, चबूतरा, कठेड़ा, गिलम, थम, चांदनी और उसके ऊपर 13 देवरी, इतना समझ आ गया। आगे चलिए, अब उत्तर दिशा में कितने देवरी का घाट है, 9 को शोभा देखते हैं, आगे चलिए, 3, 3, 6, 3, 9, ठीक है, इतना समझ आ गया, आगे चलो। अब चलते हैं झुंड के घाट की, श्री जमुना जी का द्वार अगर पूर्व दिशा में था तो हम सखियों का द्वार कौन सी तरफ है, पश्चिम तरफ, हम पश्चिम तरफ से झुंड के घाट में से प्रवेश करते हैं। सुंदर साहब जी, एक बात जो इस चित्र से हमें समझ नहीं आ रही, केवल आत्म दृष्टि से ही देखने में समझ में आएगी कि ये जो वृक्ष हैं ये छोटे बना देंगे, नहीं तो ये कितने हैं, 5 महा,
और चारों तरफ आए हैं, तो हौज कौसर की ये लगता है दीवार से खड़ी हुई है चारों तरफ, ठीक है, पांच भूम की दीवार खड़ी है। अब उस पांच भूम की दीवार को भेदना है तो मध्य में पांच भूम का ही दरवाजा बना हुआ है फूलों का, सोचिए क्या नजारा होगा, ठीक है। यहां और यहां दीवार है पांच भूम की, और मध्य में बड़ा ही सुंदर भव्य अनंत फूलों का ही दरवाजा बना हुआ है झुंड का घाट, और इसीलिए ये फूलों का बना हुआ है क्योंकि दरवाजे की तरह इसने आना था, और इसीलिए ये पांच भूम का आया है क्योंकि ये भी पांच भूम के। इतनी बात समझ आ गई, आगे चलिए। ये देखिए झुंड का घाट, इसकी सभी भूमों में हम जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, और यहाँ पे पशु पक्षी भी बैठे हुए मिलेंगे, नूरी खरगोश, नूरी हिरन, नूरी मोर, नूरी बंदर, सभी यहाँ पर उछल कूद मचाते हुए, प्यू प्यू धनी धनी करते हुए खूब खुशहालियां, यहीं से पुष्पों की वर्षा करेंगे हमारे ऊपर। जब यहाँ से एंट्री करेंगे ना तो दुल्हा दुल्हन संग ठकुरानी सखियन सुदवल लई लई संग पधारे जब आएंगे तो ऊपर से पुष्पों की वर्षा करेंगे खूब खुशहालियां, ठीक है। ये हमारा हो गया झुंड का घाट। अब इसकी रचना समझते हैं, दो चबूतरियां हैं इसी में, सिर्फ दो चबूतरियां हैं, बाकी सब में तो एक आया था ना, दो चबूतरियां आए हैं और उनके ऊपर वृक्ष आए हैं, उन्होंने आपस में मेहराबें डाली हैं, और इस तरह से ये हो गया पांच भूम छठी चांदनी, ठीक है। झुंड का घाट समझ में आ गया, एक आगे कीजिएगा, एक और आगे कर दीजिए। सुंदर साहब जी, हम सुखपालों में बैठ के तीसरी भूम से चल के कुंज निकुंज के वन में से होते हुए रंगोली को बिगाड़ते हुए कहां पर आ गए, पश्चिम दिशा में, और हमारे सुखपाल कहां उतरेंगे, वन रॉस पे, वन रॉस पे उतर गए। वन रॉस के बाद हम तीन सीढ़ियां चढ़कर किस पर आ गए, ढलकती पाल, ढलकती पाल पर आ गए। सबसे पहले बालाजी आगे खड़े हुए आगवानी करने के लिए, देखिए सब सखियां बातों में लगी है, धनी की तरह ध्यान ही नहीं है अपना ही प्रेम इतना है आपस में, चल सकी तुम भी चलो, तुम भी चलो, अरे कहां रह गई अभी देखिए यहां ना दो चबूतरे हैं, आगे करिएगा जरा मैं दिखा देता हूं, ये देखिए ये वन की रौस पे ये दो चबूतरे हैं, ये आप समझ लीजिए एक तरह से असेंबली हॉल से, जब तक सारे सुखपाल आ रहे हैं हम लोग आपस में चिट चैट कर रहे हैं तो यहाँ बैठेंगे, सज्जाए हैं सुंदर बैठ के आएंगे, यहाँ असेंबल होते जाएंगे, वाला जी यहाँ आवाहन के लिए खड़े हैं, और यहाँ पर सब असेंबल होकर तब जाते हैं, पीछे करना, ठीक है। और यहां से बालाजी के साथ हाथ पकड़कर हम हौज कौसर का सुख लेंगे। सुंदर साहब जी, रास ग्रंथ के अंदर वर्णन आता है कि सभी ब्रह्मात्माओं को सुख देने के लिए धनी ने कितने स्वरूप धारण किए, 12,000। ये बात याद रखना, रास ट्रेलर है, परमधाम मूवी है, ठीक है, क्योंकि अक्षर भगवान को यहां जो रामते होती है वो दिखाने के लिए रास की रचना हुई थी ना, तो परम धाम में अगर यहां 12,000 है तो परम धाम में अब नजारा देखिए, धनी यहां खड़े हुए, ठीक है, श्यामा जी के साथ, एक सखी भागती आई, बालाजी का हाथ पकड़ा, हौज कौसर में भाग गई, बालाजी सखी के साथ भी खड़े चले गए और वहां भी खड़े हुए, ठीक है। दूसरी सखी आई, बालाजी का हाथ पकड़ा और ले गई, वो चले भी गए और यहीं भी खड़े, एक एक सखी अपने अपने स्वरूप को लेकर कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं निकल जाएगी और सुख लेगी, सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे चाया चित को, इतने मीठे मीठे शब्द आते हैं वाणी के अंदर, जो चित में आता है वो सुख लेते हैं। अभी मैं एक सुंदर साहब ने इतनी मीठी बात मुझे सरकार साहब की बताई, सरकार साहब जिनके अंदर स्वयं धाम धनी विराजमान, हम सब ब्रह्मात्माओं को ज्ञान दिया प्रेम दिया, तो बताया कि हमारे घर जब सरकार आते थे तो बाबूजी ने बताया, कहते हम कहते थे सरकार हाथ पांव फूल जाते थे, आपको क्या खिलाएं, मीठा खिलाएं, नमकीन खिलाएं, ये खिलाएं, क्या करें, तो सरकार कहते थे मैं आ गया, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो मेरे साथ, वो खिलाओ जो तुम्हें अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे सुख के लिए आया हूं। मैंने अपने जीवन में ऐसे महाराज नहीं देखे सबको तो अपनी पसंद पता होती है ना, सरकार की कोई पसंद नहीं, कहते तुम्हें जो दिल करे वो मेरे साथ करो, जो खिलाना है जो खिलाओ, जो करना है वो करो, मैं तो आ गया। ये धामधनी की बात है, परम धाम के धामधनी, वो कह रहे हैं जो चाहो जहां चित लेवे चाहया चित को, जो चित में आता है वो रूहें यहां पर धनी के साथ हौज कौसर में सुख लेती है। सुंदर साहब जी, केवल श्री हौज कौसर में ही झीलना नहीं करती, केवल चांदनी में झीलना नहीं करती, रूहें इस हौज कौसर में बालाजी के प्रेम में झीलना करती है। यहां आ गए तो बस आ गए, कोई दिन नहीं कोई रात नहीं कोई दिन नहीं, जितना समय चाहो हौज कौसर में रुकेंगे, नीचे मंदिर है, निवास भी करना चाहे
रात्रि भी बिताना चाहे तो नीचे मंदिर है, जितना चाहे समय हम यहाँ लेते हैं, सुख लेके फिर वापस रख लौट जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, आपने आदेश किया था जल्दी खत्म करने का, इस